अस्सलाम वालेकुम। और कुकिंग विद साध में आप सबको वेलकम। और आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो है मलाई बोटी पराठा रोल। बहुत ही मज़े का बनता है, सबको ही पसंद होता है और बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आ जाएँ तैयारी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो मैंने सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिए हैं वो है चिकन। ये आधा किलो चिकन लिए है बोनलेस। देखिए इसके इस तरह मोटा मोटे से क्यूब्स काट लिए हैं हमने, छोटे छोटे से, जैसे होते हैं पराठे में। हाँ, जिस तरह पराठे में होते हैं, मतलब ज़्यादा ना छोटे हैं ना बड़े हैं, दरमियाने साइज के हैं। ज़्यादा छोटे कर लेंगे तो वो बिल्कुल ही छोटे छोटे से हो जाएंगे, बिल्कुल मसा नहीं देते। इस तरह से थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स बनाए हैं मैंने। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इस तरह मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टीस्पून वाइट पेपर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक ले सकते हैं जितना आप खाते हैं। और ये मीट टेंडराइजर है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास कचरी पाउडर हो या दूसरा मीट टेंडराइजर जो आप यूज़ करते हैं वो हो तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने पपीते का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, 1/2 कप दही लिया है मैंने, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम ले, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। आए हम बनाना स्टार्ट करेंगे, मैरिनेट करके रखेंगे ना इसको। हाँ, आधा घंटा एक घंटा मैरिनेट करके रखेंगे इसको। आप आधा घंटा एक घंटा या आप पहले करके रख लें, 3-4 घंटे पहले, जितनी मैरिनेट होगी उतनी अच्छे बनते हैं। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। सबसे पहले ग्रीन चिली जो हमने उसको मोटा मोटा क्रश किया था वो ऐड कर देंगे इसमें। गरम मसाला, ब्लैक पेपर, मीट टेंडराइजर डालेंगे इसमें, कुटी हुई लाल मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक ऐड कर देंगे, योगर्ट ऐड कर देंगे इसमें, और आखिरी में हम इसमें क्रीम भी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे हम। ये अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं देखें। अब हम इसको रख देंगे 2 से 4 घंटों के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधा घंटा के लिए भी रख सकते हैं। ये हमारे चिकन को 4 घंटे हो गए हैं, अब इसको खोल के चेक करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून जितना ऑयल इसमें ऐड करेंगे, हो गया। सारे चिकन अभी इसमें ऐड कर देंगे हम। इसमें डाल 20 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे अच्छे से, मीडियम टू लो फ्लेम पे ढाक के। पहले थोड़े से 15 मिनट हम इसको ऐसे खुला कब पकाएंगे, इसके बाद 5 मिनट बाद हम इसको कवर करके बनाएंगे। रोल की डो बनाने के लिए जो हमने सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिया है वो है 2 कप फाइन आटा, ये वाइट वाला आटा है। इसमें हम 1 कप सूजी ऐड कर देंगे, ये 1 कप इस तरह से मैंने 1/4 कप भर के मैं सूजी ले लिए। इसमें सूजी ऐड कर देंगे, मैदे में 1 कप सूजी, और इसमें 1 टीस्पून चीनी,
नमक आप अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जितना। 2 टेबल स्पून भर के घी ऐड कर देंगे इसमें। इससे पहले क्रम्स की तरह बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद हम इसको नीम गर्म पानी से भून लेंगे अच्छे से। दो तैयार कर लेंगे पराठों की रोल की। थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको गूंथते जाएंगे हम। सॉफ्ट सॉफ्ट सी डो, मतलब जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथना है इसका ना, हार्ड नहीं गूंथना सही इस तरह से। ये हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद के हम छोटे छोटे पेड़े बना के पराठे बना लेंगे। 10 मिनट हो गए इसको, हमने इसको खोल के पकाया है 10 मिनट। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, डन कर लेंगे, हो जाएगा हमारे चिकन गल जाएगी आराम। मलाई बोटी रेडी हो गई है। अब हम इसमें आखिरी में 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। हम इसमें कोयले का स्मोक लगा देंगे। आधा घंटा हो गया इस आटे को, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। सूजी भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे से पराठे बना लेंगे। पहले इस तरह से हम इसको बेल लेंगे पूरा बड़ा बड़ा। इससे हाथ से फुल बेल लेंगे इसको। फिर से हम घी ऑयल आप जो आपको सही लगता है वो आप यूज़ करते हैं वो लगा लें। हम इसमें अच्छे से, मैं इसमें घी लगा रही हूँ थोड़ा सा। इससे हम आटा डस्ट कर लेंगे इसमें, इसका हम पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। इस तरह से हम वन बाय वन सारे पेड़े बना लेंगे। ये एक हमारा पेड़ा बन गया, इस तरह से बना लेंगे। पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये पराठा हमने तवे पे डाल दिया है। अब हम इसको पहले एक साइड पे हल्का सा पकाएंगे, हम इसको पलट देंगे। घी स्प्रेड कर देंगे अच्छे से इस पर, घी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। फिर पलट करेंगे लो फ्लेम पे। हम बनाएंगे पराठे, ज़्यादा नहीं पकाना है इनको। इसी तरह वन बाय वन सारे पराठे हम रेडी कर लेंगे। ये हमारा पराठा रेडी है, हम इसको उतार लेंगे। ये हमारे पराठे रेडी हैं। अब हम आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। असेंबलिंग के लिए सबसे हमने लिया है, ये सबसे पहले हमने लिया है गार्लिक मायो सॉस। तो इसके लिए गार्लिक मायो सॉस बनाने के लिए 1/2 कप मायोनीज, 1/2 कप क्रीम, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। फिर उसके बाद उसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 5-6 लहसुन के क्लोव्स जो होते हैं लहसुन कुचल के उसके अंदर डाल देंगे और 1 पिंच नमक, ये डाल के हम मिक्स करके ये गार्लिक सॉस बना लेंगे। अब इसके ऊपर हमने चिकन रखी है, प्याज रखी है रिंग वाली काट के, और इसे अब फोल्ड कर देंगे अच्छे से। और ये हमारा मज़ेदार मलाई बोटी पराठा रोल रेडी है। इसी तरह हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे।
और ये हमारे मलाई पोटी पराठा रोल का फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार बने, बहुत ही यमी बने। आप लोग भी ट्राई करें, इजी हैं, बहुत सिंपल हैं और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। आप लोग भी ट्राई करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, फेसबुक पर भी फॉलो करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और ये हमने चटनी बनाई थी और ये मायो सॉस, ये गार्लिक सॉस है और ये हमारे मलाई बोटी पराठा रोल, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप लोग भी ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें अपना, हमें सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।